जोहार चिल्का मैंने अभी नवा वीडियो रे सगुन धर्म बिना। सबसे पहले दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सबसे बड़े टॉप क्लास के संथाली यूट्यूब चैनल के इनकम जो इस मंथ के हैं वो आप जान करके हैरान हो जाएंगे। यूट्यूब एक ऐसा जरिया बन गया है जो आज आप काम करते हैं और उसका फल आपको एक साल बाद भी देता है। आज तो देता ही देता है, एक महीने बाद देता है, दो महीने बाद देता है, एक साल बाद तक आपको देता रहता है, कंटिन्यू देता रहता है। प्रूफ के साथ मैं आज बात करूंगा और आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का इनकम आज बताने वाला हूँ। चलो शुरुआत हम लोग करते हैं वन एंड ऑनली, आप जानते हैं सिंगर नंबर वन स्टीफन टुडू ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा। एक सवाल हमेशा रहता है मेरे भाइयों का कि सर यूट्यूब से इनकम कैसे होता है, क्या तरीका है, कितना व्यूज पे कितना इनकम या कितना एड पे, ये कन्फ्यूजन आप लोगों का आज मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए समझिए, यूट्यूब पे जो भी आप वीडियोस देखते हैं उस वीडियो पे ऐड आता है, एडवर्टाइज आता है, पूरा बता रहा हूँ, आपके फेवरेट चैनल का इनकम भी बता रहा हूँ। तो ऐड जो आता है वो कभी कभी आप देखे होंगे वीडियो स्टार्ट होते ही आ जाता है, कभी बीच बीच में आ जाता है, कभी वीडियो जब ख़त्म होता है तो आपको कुछ प्रचार दिखता है, गूगल का, मैक्स टकाटक, अलग अलग तरह तरह का ऐड आपको दिखता है, उसी ऐड का यूट्यूब पैसा देता है। तो ऐड कैसे आता है, जब व्यूज आता है तब तो ऐड आएगा। तो मान लो वीडियो पे अगर बहुत ज़्यादा व्यूज है तो ऐड का संभावना भी ज़्यादा है। आप बहुत बार देखेंगे बहुत सारा वीडियो अब पूरा खत्म हो गया मगर कोई ऐड आपको नहीं दिखता, ऐड दिखता ही नहीं है, है ना, होता है ना। तो मान लीजिए 1000 व्यू आए, 1000 व्यू पे हो सकता है 200 ऐड आया, 300 ऐड आया, 500 ऐड आया, कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 का 1000 ऐड आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, 800 ऐड आता है, 600 ऐड आता है। तो जो ऐड आता है उसी का इनकम मिलता है, ठीक है, एडवर्टाइजर का। और ऐड कहाँ से आता है, तो यूट्यूब के साथ लिंक होता है एक अकाउंट, कहते हैं एडसेंस अकाउंट, ये एडसेंस जो हो गया एडसेंस लिंक होता है, और एडसेंस और यूट्यूब ये दोनों आपस में मिल करके एक तरह का पार्टनर है जो क्या करते हैं, एडवर्टाइजर यानी किसी चीज़ का प्रचार आपको दिखाता है। जैसे मान लो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपको पहले ऐड दिख गया, हो सकता है आपको बीच में ऐड दिखे, या हो सकता है आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए लास्ट में हो सकता है आपको ऐड दिखेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिए, ऐड का भी फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो ऐड आता है ना संथाली चैनल के इंटरटेनमेंट में, आप जो भी गाना सुनते हैं, वीडियोज देखते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, तो उस पे जो ऐड आता है इसी का इनकम होता है। कितना ऐड पे कितना इनकम होता है, सवाल अब ये रह गया। तो मैं अपने चैनल को पूरा जितना दिन से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, दूसरे बड़े बड़े चैनल को भी एनालाइज कर रहा हूँ, आप सभी को मालूम ही है, तो एनालाइज करके मैंने पाया कि इंटरटेनमेंट चैनल 5000 से 6000 ऐड मिनिमम पे $1 का इनकम होता है, यानी 5 से 6000, 8000, कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि 8 से 10000 हो जाती है तब जा करके $1 होता है, कभी कभी, ठीक है। अभी इस मंथ का इनकम थोड़ा सा ठीक है, 6000 व्यूज पे $1 बन जा रहा, यानी 6000 व्यूज पे जो ऐड चली उसको जोड़ जाड़ करके $1 बना, $1 का मतलब होता है ₹72, ठीक है। तो उसी ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी की डेट में इस मंथ में बड़े यूट्यूबर को कितना इनकम हुआ और वो कितना वीडियो बनाया, उस पर कितना व्यूज आए। शुरुआत हम लोग करते हैं स्टीफन दा के, इन पे हम लोग आ गए स्टीफन टुडू ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बता रहा हूँ इस महीने इन्होंने कितने वीडियो डाले हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला वीडियो जो इनका है वो है सिंदूर नाम मेंते कोड़ा न्यू संथाली वीडियो, जिस पे इनका व्यूज़ आप देखिए तो 1.4 मिलियन का व्यूज़ है। 2 सप्ताह पहले वीडियो आया था, मैं इसी मंथ का बात कर रहा हूँ, समझिएगा। और दूसरा वीडियो इसी का ट्रेलर है सिंदूर नाम मेंते का, जिसपे 1,83,000 व्यूज़, यानी एक पर 1.4 मिलियन यानी 14 लाख, और इधर लगभग 2 लाख व्यू है, 1,83,000, 2 लाख मान लेते हैं, तो घुमा फिरा करके इन दोनों को अगर मिला दे तो होता है 16 लाख व्यू। इस महीने इनके यूट्यूब चैनल में 2 वीडियो से 16 लाख व्यू आया, लेकिन इनका टोटल व्यू कितना है इस महीने का, सिर्फ ये 2 वीडियो इनका देखा गया इस महीने, ऐसा नहीं है। आप जो वीडियो बनाते हैं वो 1 साल बाद भी लोग देखते हैं, यानी इनका जो ये वीडियो सियूर ये भी चला है, इसका ट्रेलर भी चला है, कुहू कुहू ये भी चला है, दिन दिन गते दिशा मियाँ ये जो वीडियो है ये भी चला है, हर वीडियो में अलग अलग व्यूज़ आया। इन सबको व्यूज़ को जोड़ करके पैसा दिया जाएगा, ना कि इस महीने जो वीडियो बना है इसका पैसा मिलेगा, सब में जो व्यू आया इस 30 दिन में उसका पैसा मिलेगा। तो आप पूछोगे सब में कितना व्यू आया 30 दिन में, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सब में कितना व्यूज़ आया। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्क्रीन मेरा शेयर है आपको, मैं दिखा रहा हूँ कि इस महीने इनका टोटल व्यूज़ कितना आया है। जी हाँ देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इनका टोटल व्यू है 5.547 मिलियन का व्यू 30 दिन में आया है। 5.547 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख प्लस, यानी 55 लाख।
तो 55 लाख व्यू स्टीफन दा का इस 30 दिन में हुआ, जिसमें दो वीडियो से ही आया 16 लाख, अब बाकी मानिए 32 लाख व्यू है अलग अलग वीडियो से, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महीने में इनका इनकम कितना होगा, सोच करके आप देख करके हैरान हो जाएंगे। सोचिए कि दो वीडियो आपने इस महीने बनाया, मगर ये दो वीडियो का इनकम आपको नहीं बल्कि इसके दुगना और कई सारे वीडियोस का आपको इनकम दिया जा रहा, फायदा है ना। कितना इनकम है चलिए देखते हैं, 55 लाख पे कितना इनकम होता है इसको कैलकुलेट करके पूरा आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं 5000 के एवरेज से लेता हूँ, चलिए 6000 रखते हैं, ठीक है, 6000 व्यूज पे $1 बन रहा, तो 55 लाख पे कितना बनेगा, बहुत ज़्यादा इनकम हो सकता है भाई। चलिए देखते हैं आखिर कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं। तो इनका जो टोटल व्यू आया है वो है 55 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, तो ये हो गया 55 लाख। आपको दिख रहा ना, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा तो कर ही सकता हूँ, कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये 55 लाख व्यू हो गया, और हम लोग जो बात कर रहे हैं व्यूज़ कितना पे आएगा, तो 6000 पे $1 बन रहा, ठीक है, $1 बन रहा 6000 व्यूज़ पे। तो 55 लाख व्यू पे कितना बनेगा, देखिए इसके लिए सिंपल है कि इस 55 लाख को भागा दे दीजिए आप 6000 व्यू से, ये वाला, तो इतना डॉलर इनका बना, कितना है भाई देखिए, $917 के आसपास। अब ये 916 पॉइंट कुछ है, 917 मान लीजिए, चलिए 900 ही रखते हैं, तो $900 बराबर कितना रुपया होता है, तो 900 को गुना कर दीजिए आप 72 से, तो ये इनका इनकम हुआ 30 दिन का। कितना इनकम है देखिए दोस्तों, 64,800 रुपये, यानी लगभग 70,000 रुपये का इनकम इस महीने दो वीडियो बनाने पे हुआ। हालांकि ये दो वीडियो का इनकम नहीं है, ये इनकम है बहुत सारे वीडियो, सारे वीडियोस के मिला के थोड़ा। तो ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे यूट्यूबर की, जिसका वीडियो ट्रेंडिंग में गया, राजू सोरेन, आप सभी को मालूम ही है। तो राजू दा के वीडियो के इनकम कितना है ये भी जान करके आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनका वीडियो ट्रेंडिंग में गया, तो उसी पे चलते हैं। ट्रेंडिंग वीडियो वाले राजू दा के चैनल का रिव्यू हम लोग देख लेते हैं कि उनको कितना इनकम इस महीने में हुआ। देखिए मैं आ गया हूँ राजू सोरेन के यूट्यूब चैनल में, मुझे अब अपने छत के सीढ़ी वाले घर पे आना पड़ा, बारिश होने लगी, पर बारिश परेशान करता और मजा भी आता, क्या करें। तो ये देखिए राजू दा के चैनल का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस महीने इनका जो वीडियो आया कितना आया है, निया जनम रेदो ये वीडियो आया ही है, आप सभी को मालूम है, पंकज दा और मामूनी बास की, जिसका रिव्यू मैंने किया था कुछ गलत हो गया था। तो यहाँ पे समझिए इनका 9,94,000 के व्यू आए, यानी 10 लाख व्यू, करीब 1 मिलियन व्यू सिर्फ एक वीडियो में हो गया। दूसरा निया जनम रेडो का जो ट्रेलर है उस पर 2,53,000 का व्यूज है, ये वीडियो आपको ट्रेंडिंग में चला गया था, मैं आपको बताया था, ठीक है। निया जनम रेडो ट्रेंडिंग का बात करते हैं हम लोग, तो वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है तो बात करा करिए, इसलिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग शब्द यूज करता हूँ, हो सकता है मेरे वजह से किसी का भी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए, तो इसमें मेरा क्या नुकसान है, फायदा ही है ना भाई, और मेरा तो काम ही आप लोग का फायदा करना डेवलपमेंट के लिए। तो दूसरा वीडियो इनका 2,53,000 व्यूज, इस पे 10 लाख और इस पे 2,53,000, यानी 13 लाख का व्यू इनका दिख रहा इस महीने का दो वीडियो से। अब बाकी कुली गितिल जो ट्रेंडिंग वीडियो था वो दूसरे महीने का, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, उसको अलग कंसेप्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे 13 लाख व्यू है। अब राजू दा का हम देखते हैं कि इस महीने में टोटल व्यू कितना है, दो वीडियो से 13 लाख व्यू है, लेकिन टोटल व्यू इनका है कि 4.859 मिलियन, यानी 4.859 मिलियन, यानी 5 मिलियन से थोड़ा सा कम है, यानी 50 लाख से थोड़ा सा कम है, 45 से 48 लाख व्यू इनका आया है इस महीने, जबकि 13 लाख व्यू इनका आया है कि नए वीडियो से, और जो बाकी बच गया है वीडियो व्यूज 30 लाख व्यू इनका करीब मिला है पुराने वीडियो से। देखिए YouTube का सबसे बड़ा फायदा यही है कि काम आप आज करते हैं मगर उसकी कमाई आपको 6 साल बाद भी हो सकता है, तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ, सबको मोटिवेट भी करता हूँ, सबको बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ भाई, इतना सच्चाई कोई नहीं बताएगा, क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, फायदा बहुत है। चलिए राजू दा का इनकम कैलकुलेट करते हैं कि इनको इस महीने कितना हुआ। स्टीफन दा का इनकम आपने देखा 64,800 रुपया, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत खास है आपके लिए, तो 64,800 रुपया हुआ। राजू दा का कितना होगा, 48 लाख व्यू इनका आया, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, और मैंने बताया कि 6000 व्यूज पे $1 बन रहा, इनका भी वही होगा, कहानी सबका सेम ही रहता है, ठीक है, ठीक है दादा। तो देखो कितना इनका होगा, तो मैंने क्या बोला, 48 लाख को भागा दे दीजिए
ये 6,000 से कितना डॉलर बना, $800। तो $800 में कितना रुपया होता है, 800 को आप गुना करिए 72 रुपया से। तो इनका इनकम, स्टिपेंडा का इनकम आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टिपेंडा, ठीक है, इनका इनकम है 64,800, 70,000 के पास पास। और राजू दा, राजू सॉरेन, इनका इनकम 57,600, यानी 60,000 के आसपास इनका भी इनकम है, 60,000 के आसपास इनकम। यानी ये दो चैनल आपस में देखिए एकदम बराबर टक्कर में है, कह सकता हूं मैं कि राजू दा का चैनल और स्टिपेन दा का चैनल, दोनों में लगातार अच्छे वीडियो आपको मिल रहे हैं, मिलते हैं, और इनमें दोनों में व्यूज भी लगभग आगे पीछे है थोड़ा बहुत, इनकम भी देखो आगे पीछे है थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आगे मैं आपको और भी चैनल्स का एनालिटिक बताऊंगा, व्यूज बताऊंगा कितने मंथ में आते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए, और आपको किस चैनल के बारे में जानना, इनकम जानना है, कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं आप, कि लोगों को पता चले कि देखो हमारे संताली इंडस्ट्री के चैनल कितने इनकम कर रहे हैं, है ना दोस्तों। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मित्तल सर का साथ और आपका साथ तो बनेगा सब बात। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, जय झारखंड।